अध्याय 33 गठबंधन। हे नबी, अल्लाह से डरो और काफिरों और मुनाफिकों की आज्ञा पालन न करो। वास्तव में अल्लाह हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है। तथा पालन करो उसका जो वह एक प्रकाशना की जा रही है आपकी और आपके पालनहार की ओर से। निश्चय अल्लाह जो तुम कर रहे हो उससे सूचित है। और आप भरोसा करें अल्लाह पर, तथा अल्लाह पर्याप्त है, रक्षा करने वाला। और नहीं रखे हैं अल्लाह ने किसी को दो दिल उसके भीतर, और नहीं बनाया है तुम्हारी पत्नियों को जिनसे तुम जिहार करते हो उनमें से तुम्हारी माताएं, तथा नहीं बनाया है तुम्हारे मुंह बोले पुत्रों को तुम्हारा पुत्र। ये तुम्हारी मौखिक बातें हैं और अल्लाह सच कहता है तथा वही सुपथ दिखाता है। उन्हें पुकारो उनके बापों से संबंधित करके, ये अधिक न्याय की बात है अल्लाह के समीप। और यदि तुम नहीं जानते उनके बापों को तो वे तुम्हारे धर्म बंधु तथा मित्र हैं, और तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है उसमें जो तुमसे चूक हुई है, परंतु उसमें है जिसका निश्चय तुम्हारे दिल करे, तथा अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। नबी अधिक समीप प्रिय है ईमान वालों से, उनके प्राणों से, और आपकी पत्नियां उनकी माताएं हैं, और समीपवर्ती संबंधी एक दूसरे से अधिक समीप हैं अल्लाह के लेख में ईमान वालों और मुहाजिरों से। परंतु ये कि करते रहो अपने मित्रों के साथ भलाई, और ये पुस्तक में लिखा हुआ है। तथा याद करो जब हमने नबियों से उनका वचन लिया, तथा आपसे और नूह, इब्रीम, मूसा, मरम के पुत्र ईसा से, और हमने लिया उनसे दृढ़ वचन, ताकि वह प्रश्न करे सचों से उनके सच के संबंध में, तथा तैयार की है काफिरों के लिए दुहकदायी यातना। हे ईमान वालो, याद करो अल्लाह के पुरस्कार को अपने ऊपर, जब आ गए तुम्हारे पास जब थे तो भेजी हमने उन पर आंधी और ऐसी सेनाएं जिन्हें तुमने नहीं देखा, और अल्लाह जो तुम कर रहे थे उसे देख रहा था। जब वे तुम्हारे पास आ गए तुम्हारे ऊपर से तथा तुम्हारे नहींचे से, और जब पथरा गई आंखें तथा आने लगे दिल मुंह को, तथा तुम विचारने लगे अल्लाह के संबंध में विभिन्न विचार, यही परीक्षा ली गई ईमान वालों की, और वे झंझोर दिए गए पूर्ण रूप से। और जब कहने लगे मुशरिक और जिनके दिलों में कुछ रोग था कि अल्लाह तथा उसके रसूल ने नहीं वचन दिया हमें परंतु धोखे का, और जब कहा उनके एक गिरोह ने, हे यसरिब वालो, कोई स्थान नहीं तुम्हारे लिए, अतः लौट चलो, तथा अनुमति मांगने लगा उनमें से एक गिरोह नबी से, कहने लगा हमारे घर खाली हैं, जबकि वह खाली न थे, वे तो बस निश्चय कर रहे थे भाग जाने का। और यदि प्रवेश कर जाती उन पर मदीने के चारों ओर से सेनाएं, फिर उनसे मांग की जाती उपद्रव की, तो अवश्य उपद्रव कर देते और उसमें तनिक भी देर नहीं करते, जबकि उन्होंने वचन दिया था अल्लाह को इससे पूर्व की पीछा नहीं दिखाएंगे, और अल्लाह के वचन का प्रश्न अवश्य किया जाएगा। आप कह दें कदापि लाभ नहीं पहुंचाएगा तुम्हें भागना, यदि तुम भाग जाओ मरण से और तब तुम थोड़ा ही लाभ प्राप्त कर सकोगे। आप पूछिए कि वह कौन है जो तुम्हें बचा सके अल्लाह से, यदि वह तुम्हारे साथ बुराई चाहे अथवा तुम्हारे साथ भलाई चाहे, और वह अपने लिए नहीं पाएंगे अल्लाह के सिवा कोई संरक्षक और न कोई सहायक। जानता है अल्लाह उन्हें जो रोकने वाले हैं तुम में से, तथा कहने वाले हैं अपने भाइयों से कि हमारे पास चले आओ, तथा नहीं आते हैं युद्ध में परंतु कभी कभी। वह बड़े कंजूस हैं तुम पर, फिर जब आ जाए भय का समय तो आप उन्हें देखेंगे कि आपकी ओर तक रहे हैं, फिर रही हैं उनकी आंखें उसके समान जो मरणासन दशा में हो, और जब दूर हो जाए भय तो वह मिलेंगे तुमसे तेज जुबानों से, बड़े लोभी होकर धन के। वे ईमान नहीं लाए हैं, अतः व्यर्थ कर दिए अल्लाह ने उनके सभी कर्म, तथा ये अल्लाह पर अति सरल है। वे समझते हैं कि जत्थे नहीं गए, और यदि आ जाए सेनाएं तो वे चाहेंगे कि वे गांव में हों, गांव वालों के बीच, तथा पूछते रहें तुम्हारे समाचार, और यदि तुम में होते भी तो वे युद्ध में कम ही भाग लेते। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में उत्तम आदर्श है उसके लिए जो आशा रखता हो अल्लाह और अंतिम दिन प्रलय की, तथा याद करो अल्लाह को अत्यधिक,
और जब ईमान वालों ने सेनाएं देखी तो कहा यही है जिसका वचन दिया था हमें अल्लाह और उसके रसूल ने, और सच कहा अल्लाह और उसके रसूल ने, और इसने अधिक नहीं किया परंतु उनके ईमान तथा स्वीकार को। ईमान वालों में कुछ वे भी हैं जिन्होंने सच कर दिखाया अल्लाह से किए हुए अपने वचन को, तो उनमें कुछ ने अपना वचन पूरा कर दिया और उनमें से कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने तनिक भी परिवर्तन नहीं किया ताकि अल्लाह प्रतिफल प्रदान करे सचों को उनके सच का तथा यातना दे मुनाफिकों को अथवा उन्हें क्षमा कर दे। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है। तथा फेर दिया अल्लाह ने काफिरों को मदीना से उनके क्रोध के साथ, वे नहीं प्राप्त कर सके कोई भलाई और पर्याप्त हो गया अल्लाह ईमान वालों के लिए युद्ध में, और अल्लाह अति शक्तिशाली तथा प्रभुत्वशाली है। और उतार दिया अल्लाह ने उन अले किताब को जिन्होंने सहायता की उन सेनाओं की उनके दुर्गों से, तथा डाल दिया उनके दिलों में भय। उनके एक गिरोह को तुम वध कर रहे थे तथा बंदी बना रहे थे एक दूसरे गिरोह को, और तुम्हारे अधिकार में दे दी उनकी भूमि तथा उनके घरों और धनों को और ऐसी धरती को जिस पर तुमने पग नहीं रखे थे, तथा अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हे नबी, आप अपनी पत्नियों से कह दो कि यदि तुम चाहती हो सांसारिक जीवन तथा उसकी शोभा तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दूं तथा विदा कर दूं अच्छाई के साथ, और यदि तुम चाहती हो अल्लाह और उसके रसूल तथा आखिरत के घर को तो अल्लाह ने तैयार कर रखा है तुम में से सदाचारिणियों के लिए भारी प्रतिफल। हे नबी की पत्नियों, जो तुम में से खुला दुराचार करेगी उसके लिए दुगनी कर दी जाएगी यातना, और ये अल्लाह पर अति सरल है। तथा जो मानेंगी तुम में से अल्लाह तथा उसके रसूल की बात और सदाचार करेंगी, हम उन्हें प्रदामन करेंगे उनका प्रतिफल दोहरा, और हमने तैयार की है उनके लिए उत्तम जीविका। हे नबी की पत्नियों, तुम नहीं हो अन्य स्त्रियों के समान। यदि तुम अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव से बात न करो कि लोभ करने लगे वे जिनके दिल में रोग हो, और सभ्य बात बोलो और रहो अपने घरों में, और सौंदर्य का प्रदर्शन न करो प्रथम अज्ञान युग के प्रदर्शन के समान, तथा नमाज की स्थापना करो, जकात दो तथा आज्ञा पालन करो अल्लाह और उसके रसूल की। अल्लाह चाहता है कि मलिनता को दूर कर दे तुमसे हे नबी की घरवालियों, तथा तुम्हें पवित्र कर दे अति पवित्र। तथा याद रखो उसे जो पढ़ी जाती है तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतों तथा हिकमत में से। वास्तव में अल्लाह सूक्ष्मदर्शी सर्वसूचित है। निस्संदेह मुसलमान पुरुष और मुसलमान स्त्रियां, ईमान वाले पुरुष और ईमान वाली स्त्रियां, आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञाकारिणी स्त्रियां, सच्चे पुरुष तथा सच्ची स्त्रियां, सहनशील पुरुष और सहनशील स्त्रियां, विनीत पुरुष और विनीत स्त्रियां, दानशील पुरुष और दानशील स्त्रियां, रोजा रखने वाले पुरुष और रोजा रखने वाली स्त्रियां, अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले पुरुष तथा रक्षा करने वाली स्त्रियां, तथा अल्लाह को अत्यधिक याद करने वाले पुरुष और याद करने वाली स्त्रियां तैयार कर रखा है अल्लाह ने इन्हीं के लिए क्षमा तथा महान प्रतिफल। तथा किसी ईमान वाले पुरुष और ईमान वाली स्त्री के लिए योग्य नहीं कि जब निर्णय कर दे अल्लाह तथा उसके रसूल किसी बात का तो उनके लिए अधिकार रह जाए अपने विषय में, और जो अवज्ञा करेगा अल्लाह एवं उसके रसूल की तो वह खुले कुपथ में पड़ गया। तथा हे नबी, आप वह समय याद करें जब आप उससे कह रहे थे उपकार किया अल्लाह ने जिस पर, तथा आपने उपकार किया जिस पर, रोक ले अपनी पत्नी को तथा अल्लाह से डर, और आप छुपा रहे थे अपने मन में जिसे अल्लाह उजागर करने वाला था, तथा डर रहे थे तुम लोगों से जबकि अल्लाह अधिक योग्य था कि उससे डरते। तो जब जैद ने पूरी कली उस स्त्री से अपनी आवश्यकता, तो हमने विवाह दिया उसे आपसे ताकि ईमान वालों पर कोई दोष न रहे अपने मुंह बोले पुत्रों की पत्नियों की विषय में जब वह पूरी कर ले उनसे अपनी आवश्यकता, तथा अल्लाह का आदेश पूरा होकर रहा। नहीं है नबी पर कोई तंगी उसमें जिसका आदेश दिया है अल्लाह ने उनके लिए। अल्लाह का यही नियम रहा है उन नबियों में जो हुए हैं आपसे पहले, तथा अल्लाह का निश्चित किया आदेश पूरा होना ही है। जो पहुंचाते हैं अल्लाह के आदेश तथा उससे डरते हैं, वे नहीं डरते हैं किसी से उसके सिवा, और पर्याप्त है अल्लाह हिसाब लेने के लिए।
मोहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं है, किंतु वे अल्लाह के रसूल और सब नबियों में अंतिम हैं और अल्लाह प्रत्येक वस्तु का अति ज्ञानी है। हे ईमान वालो, याद करते रहो अल्लाह को अत्यधिक तथा पवित्रता बयान करते रहो उसकी प्रातः तथा संध्या। वही है जो दया कर रहा है तुम पर तथा प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारे लिए उसके फरिश्ते, ताकि वह निकाल दे तुम्हें अंधेरों से प्रकाश की ओर, तथा ईमान वालों पर अत्यंत दयावान है। उनका स्वागत जिस दिन उससे मिलेंगे सलाम से होगा और उसने तैयार कर रखा है उनके लिए सम्मानित प्रतिफल। हे नबी, हमने भेजा है आपको साक्षी, शुभ सूचक और सचेत करता बनाकर तथा बुलाने वाला बनाकर अल्लाह की ओर उसकी अनुमति से, तथा प्रकाशित प्रदीप बनाकर, तथा आप शुभ सूचना सुना दें ईमान वालों को कि उनके लिए अल्लाह की ओर से बड़ा अनुग्रह है, तथा न बात माने काफिरों और मुनाफिकों की, तथा न चिंता करें उनके दुहक पहुंचाने की, और भरोसा करें अल्लाह पर तथा पर्याप्त है अल्लाह काम बनाने के लिए। हे ईमान वालो, जब तुम विवाह करो ईमान वालियों से फिर तलाक दो उन्हें, इससे पूर्व की हाथ लगाओ उनको, तो नहीं है तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत जिसकी तुम गणना करो तो तुम उन्हें कुछ लाभ पहुंचाओ, और उन्हें विदा करो भलाई के साथ। हे नबी, हमने हलाल वैध कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को, जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका महर विवाह उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको, तथा आपके चाचा की पुत्रियों, आपकी फूफी की पुत्रियों, आपके मामा की पुत्रियों तथा मौसी की पुत्रियों को जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वह स्वयं को दान कर दे नबी के लिए, यदि नबी चाहे कि उससे विवाह कर लें। ये विशेष है आपके लिए अन्य ईमान लालों को छोड़कर, हमें ज्ञान है उसका जो हमने अनिवार्य किया है उन पर, उनकी पत्नियों तथा उनके स्वामित्व में आई दासियों के संबंध में, ताकि तुम पर कोई संकीर्णता तंगी न हो, और अल्लाह अति क्षमी दयावान है। आपको अधिकार है कि जिसे आप चाहें अलग रखें अपनी पत्नियों में से, और अपने साथ रखें जिसे चाहें, और जिसे आप चाहें बुला लें उनमें से जिन्हें अलग किया है, आप पर कोई दोष नहीं है। इस प्रकार अधिक आशा है कि उनकी आंखें शीतल हों और वे उदासी न हो, तथा प्रसन्न रहें उससे जो आप उन सबको दें, और अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह अति ज्ञानी सहनशील है। हे नबी, नहीं हलाल वैध हैं आपके लिए पत्नियां इसके पश्चात, और न ये कि आप बदलें उन्हें दूसरी पत्नियों से, यद्यपि आपको भाई उनका सौंदर्य, परंतु जो दासी आपके स्वामित्व में आ जाए, तथा अल्लाह प्रत्येक वस्तु का पूर्ण रक्षक है। हे ईमान वालो, मत प्रवेश करो नबी के घरों में, परंतु ये कि अनुमति दी जाए तुम्हें भोज के लिए, परंतु भोजन पकने की प्रतीक्षा न करते रहो, किंतु जब तुम बुलाए जाओ तो प्रवेश करो, फिर जब भोजन कर लो तो निकल जाओ, लीन न रहो बातों में। वास्तव में इससे नबी को दुहक होता है, अतः वह तुमसे लजाते हैं और अल्लाह नहीं लजाता है सत्य से, तथा जब तुम नबी की पत्नियों से कुछ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये अधिक पवित्रता का कारण है तुम्हारे दिलों तथा उनके दिलों के लिए, और तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि नबी को दुहक दो, न ये कि विवाह करो उनकी पत्नियों से आपके पश्चात कभी भी। वास्तव में ये अल्लाह के समीप महापाप है। यदि तुम कुछ बोलो अथवा उसे मन में रखो तो अल्लाह प्रत्येक वस्तु का अत्यंत ज्ञानी है। कोई दोष नहीं है उन स्त्रियों पर अपने पिताओं, न अपने पुत्रों, न अपने भाइयों, न अपने भतीजों, न अपनी मेल जोल की स्त्रियों, और न अपने स्वामित्व दासी तथा दास के सामने होने में, यदि वे अल्लाह से डरती रहें। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी है। अल्लाह तथा उसके फरिश्ते दरुद भेजते हैं नबी पर। हे ईमान वालो, उन पर दरुद तथा बहुत सलाम भेजो। जो लोग दुहक देते हैं अल्लाह तथा उसके रसूल को, तो अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया है लोक तथा परलोक में, और तैयार की है उनके लिए अपमानकारी यातना। और जो दुहक देते हैं ईमान वालों तथा ईमान वालियों को बिना किसी दोष के जो उन्होंने किया हो, तो उन्होंने लाद लिया आरोप तथा खुले पाप को। हे नबी,
कह दो अपनी पत्नियों, अपनी पुत्रियों और ईमान वालों की स्त्रियों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर अपनी चादरें। ये अधिक समीप है कि वे पहचान ली जाएं, फिर उन्हें दुहक न दिया जाए और अल्लाह अतिक्षमी दयावान है। यदि न रुके मुनाफिक तथा जिनके दिलों में रोग है और मदीना में अफवाह फैलाने वाले, तो हम आपको भड़का देंगे उन पर, फिर वे आपके साथ नहीं रह सकेंगे उसमें परंतु कुछ ही दिन। धिक्कारे हुए वे जहां पाए जाएं, पकड़ लिए जाएंगे तथा जान से मार दिए जाएंगे। यही अल्लाह का नियम रहा है उनमें जो इनसे पूर्व रहे तथा आप कदापि नहीं पाएंगे अल्लाह के नियम में कोई परिवर्तन। प्रश्न करते हैं आपसे लोग प्रलय विषय में, तो आप कह दें कि उसका ज्ञान तो अल्लाह ही को है, संभव है कि प्रलय समीप हो। अल्लाह ने धिक्कार दिया है काफिरों को और तैयार कर रखी है उनके लिए दहकती अग्नि, वे सदावासी होंगे उसमें, नहीं पाएंगे कोई रक्षक और न कोई सहायक। जिस दिन उलट पलट किए जाएंगे उनके मुख अग्नि में, वे कहेंगे हमारे लिए क्या ही अच्छा होता कि हम कहां मानते अल्लाह का तथा कहां मानते रसूल का, तथा कहेंगे हमारे पालनहार, हमने कहां माना अपने प्रमुखों एवं बड़ों का, तो उन्होंने हमें कुपथ कर दिया सुपथ से। हमारे पालनहार उन्हें दुगुनी यातना दे तथा उन्हें धिक्कार दे, बड़ी धिक्कार। हे ईमान वालो, न हो जाओ उनके समान जिन्होंने मूसा को दुहक दिया, तो अल्लाह ने निर्दोष कर दिया उसे उनकी बनाई बातों से और वह था अल्लाह के समक्ष सम्मानित। हे ईमान वालो, अल्लाह से डरो तथा सही और सीधी बात बोलो, वो सुधार देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्मों को तथा क्षमा कर देगा तुम्हारे पापों को, और जो अनुपालन करेगा अल्लाह तथा उसके रसूल का, तो उसने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। हमने प्रस्तुत किया अमानत को आकाशों, धरती एवं पर्वतों पर, तो उन सब ने इनकार कर दिया उसका भार उठाने से तथा डर गए उससे, किंतु उसका भार ले लिया मनुष्य ने। वास्तव में वह बड़ा अत्याचारी अज्ञान है। ये अमानत का भार इसलिए लिया है ताकि अल्लाह दंड दे मुनाफिक पुरुष तथा मुनाफिक स्त्रियों को और मुशरिक पुरुष तथा स्त्रियों को, तथा क्षमा कर दे अल्लाह ईमान वालों तथा ईमान वालियों को, और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है।